हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूंगी आप देखकर तो जान ही गए होंगे। जी हाँ, ये है हैदराबाद की बहुत ही फेमस डेजर्ट शाही टुकड़ा, जिसे मैं बहुत ही हेल्दी एंड इजी वे में प्रेजेंट करूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबका फेवरेट डेजर्ट शाही टुकड़ा। इसके लिए हम 12 ब्रेड स्लाइस लेंगे। अगर आप किसी ओकेजन या फिर गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से ब्रेड स्लाइस ले लें। ये ब्रेड मैंने आज ही लिया है, इसलिए ये बिल्कुल फ्रेश एंड सॉफ्ट है। अब हम इसके एजेस कट करके निकाल लेंगे और ब्रेड को ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। एक पैन में 1 से 1.5 चम्मच घी गर्म होने के लिए डालेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब हम फ्लेम को लो करेंगे और जितने ब्रेड पैन में आ सके डालेंगे। ब्रेड को सिकने में जरा भी टाइम नहीं लगता है, ये पलक झपकते ही सिक जाते हैं। कुछ सेकंड्स में ही इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं ब्रेड सेकंड्स में ही गोल्डन एंड क्रिस्पी हो गए हैं। दूसरी तरफ भी ऐसा ही कलर आ जाए तब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। हम इसी तरह सारे ब्रेड स्लाइस को गोल्डन एंड क्रिस्प करके रख लेंगे। अब हम एक सॉस पैन लेंगे और इसमें 1/2 कप चीनी और 3/4 कप पानी डालकर मेल्ट होने तक चलाएंगे। फिर हम इसे उबाल लेंगे। हमें चाशनी पतली ही रखनी है, इसलिए 2-3 मिनट उबलने के बाद इसे उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। शाही टुकड़ा एक मुगलई डिश है जिसे बड़े और बच्चे बेहद पसंद करते हैं। आपने इसे अपने घर पर जरूर बनाया होगा। एक बार आप इसे इस मेथड से जरूर ट्राई करके देखें। अब एक पैन या पतीले में 1.5 लीटर दूध डालेंगे और इसे उबलने के लिए रखेंगे। इस दूध की हम रबड़ी तैयार करेंगे, इसलिए इसे हम लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे और साइड से जो मलाई जम रही है उसे भी स्क्रैप करते हुए मिला लें ताकि रबड़ी मलाईदार बनकर तैयार हो। फ्रेंड्स, जब तक मैं ये दूध को रिड्यूस करती हूँ तब तक आप फटाफट जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरे सारे न्यू रेसिपी के नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, दूध काफी हद तक रेडियोस हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे, जिसे हम 1/2 कप दूध में मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। हम इसे अच्छे से चला लेंगे और साथ ही साथ 1/4 या फिर 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। चीनी थोड़ी कम ही डालेंगे क्योंकि इसमें हम चाशनी का भी यूज करेंगे। जब चीनी घुल जाए तो इसे एक उबाल आने देंगे, फिर इसे फ्लेम से उतार कर नीचे रखेंगे। दोस्तों, इस शाही टुकड़ा को भले ही मैंने सेलो फ्राई करके बनाया है, लेकिन इसके टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हुआ है। आप इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करें ताकि आप इसे बेफिक्र होकर जितना चाहे उतना खा पाए। रबड़ी को थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम प्लेटिंग करेंगे। अगर गर्म रबड़ी की हम प्लेटिंग कर देंगे तो ब्रेड सारे गल जाएंगे। एक एक करके ब्रेड स्लाइस को शुगर सिरप में डिप करेंगे और किसी डिस्क में असेंबल करेंगे। सारे ब्रेड स्लाइस डिस्क में असेंबल हो गए हैं। अब हम इस पर रबड़ी डालेंगे। रबड़ी हम इतना डालेंगे कि सारे ब्रेड कवर हो जाए और चांदी वर्क बादाम और पिस्ता से गार्निश करेंगे। फिर इसे 10-15 मिनट के बाद सर्व करेंगे ताकि ब्रेड में रबड़ी का पूरा फ्लेवर आ जाए। शाही अंदाज में शाही टुकड़ा रेसिपी बिल्कुल इजी वे में और बहुत ही नॉर्मली घर में पाए जाने वाले सामान से रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।